राशन भाई से मैं पूछना चाह रही हूँ। महमूद भाई ने अभी एक बात कही कि सारे एक ही बस में जाएंगे। हम क्या करें, अलग अलग बस दे दें क्या भाई, एक ही बस में जाएंगे। और एक बात और, देखो इत्तेहाद जो है ना, ये भाईचारा, टीम वर्क जीतता है यार। मैं तो खून जल गया, हमने तो खून जलाया के लिए। आप तो बेहतर समझते हैं जी रमेश भाई, जब बात कर रहे हो तो चाय नहीं पीते। तो ये कि टीम एक गेम का नाम है, बाकी आपका क्या है सवाल? मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि अक्सर हमने देखा है कि किसी क्रिकेटर पर बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश टीम की बात करें तो हमें ये लग रहा है कि इस वक्त पूरी टीम का ही बुरा वक्त चल रहा है। What do you think? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। एक तो पहली बात ये, आप सवाल बहुत कम थी, हंसती बहुत ज्यादा। अल्लाह आपको ऐसा खुशी रखे। थैंक यू, थैंक यू। और माशा आपको भी इरफान, रमेश भाई तो हम तो चिल है ही है। दूसरा ये कि बात ठीक है, अगर मुल्कों की जो सारी तवज्जो है ना, हाँ जी मुतवज्जो होना भाई जान जी, तवज्जो मुल्कों की ना, मुल्कों की तवज्जो अगर ये अपना जीडीपी को ठीक करने के लिए लगी हो, अपनी मईशत को ठीक करने के लगी हो, हैं दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात और ये एक्सचेंज जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को ठीक करने में लगी हो, तो इस तरह फिर जब ध्यान सारा इन चीजों पे लगता है तो मुल्क की क्रिकेट खराब होती है। जाहिर सी बात है। तो ये आज उसी का नतीजा है, लॉस कर। हाँ। exactly. आज जमीन उसी का नतीजा है, ये विवाद हार गए की बात है। राशिद भाई आखिरी बात क्या की आपने, मुझे समझ नहीं आया। वही नतीजा है कि वो लोग हार गए हैं। अच्छा ठीक है, आपको पीसीबी से भी ऑफर हुई थी और मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट बनाने के लिए बात किया जा रहा था, तो आपने एक्सेप्ट नहीं की, क्या रीजन थी? देखें उसूली मौकफ था मेरा, अच्छा। जिसमें मैं आज भी कायम। ठीक है, रमेश जब बने थे पीसीबी के चेयरमैन, अभी रिसेंट की बात है, रमेश ने मुझे सहाया किया, ऐसे तू भी आ जा। मैंने कहा नहीं, एक न्याम में दो तवाएं नहीं रह सकती। हाँ। जी। कह रहे नहीं, मैं तो तलवार हूँ, तू नहीं है। मैं कहा मैं कौन हूँ भाई? तू टीटी है। मैं कहा था यार, मतलब बोला नहीं, वो ठाठा वाला नहीं, रेलवे के अंदर टिकट चेकर होता जी। बहुत सारे मौके ऐसे आए, यकीन जाने, अभी हम जब अपनी जवानी में जाते थे इधर उधर, जब टूर होते थे, एक दो बीच पे चला गया मैं। ये शबाना जी को बहुत गुस्से में, मुझे जब ये बीच पे गए तब से सन टैन है। अब ये होगा, मैं नहीं कह रहा यार, नौमान रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा वैसे शबाना जी आपको बड़े गुस्से से देख रही है, पता नहीं क्या माजरा है। मैं कल उड़ा देंगे। मैं ये देख रही हूँ कि फेकों की भी लगी हुई है। चल रही हूं। शबाना जी, आप मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही थी, वो बच्चा बड़ा प्यारा था, एपिसोड देखे मैंने, इजहार बैठा हुआ था जी। तो ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे आप, फोन पे पूछ रहे थे, यहाँ आके निकलने की क्या जरूरत थी? अगर आपने भी इधर बैठ के क्वेश्चंस ही पूछने हैं तो फोन पे पूछ लेते। हमारे मेहमान है कराची से आए हैं स्पेशल, मेहमान तो फिर मैं भी हूँ, मैं ज्यादा दूर से आई हूँ। आप भी पूछ सकती हैं, आप भी रमेश जी से पूछ सकती हैं। आपके लिए मैंने बुके रखा हुआ है, क्योंकि आप मूल का ही नहीं है, ठीक है। वो हमारे शहर से आए, दूसरे सूबे से हैं, और ये क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसी जगह पे गए। क्राइम रिपोर्टर कहाँ से आ गया भाई? स्पोर्ट्स का शो है, स्पोर्ट्स का शो है, क्राइम रिपोर्टर नहीं नहीं मतलब हैयत तो ये बता रही, क्राइम एक बंदा हमारे बंदा वही लेट जाए। आप भूल गए जब आप करते थे जनाब, अभी होते थे ना, तब मैं माजत जब आप गलत बात है हमारे बदला स्कोर सेटल भी तो करते हमारे इतने जबरदस्त गेस्ट हैं भाई, ऑल द वे कराची से हमारे शो के लिए तशरीफ लाए, आप ऐसे ना बोलिए। नहीं मैं राशिद भाई हमारे फेवरेट तरीन क्रिकेटर हैं और जर्नलिस्ट के लिए जो है वो हमेशा से फेवरेट रहे। नहीं जब ये खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बड़ी बोर्ड के खिलाफ, ये कभी भी इन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, तो हम बड़ा इनके साथ होते थे। और ये रमेश भाई जिस तरह से हमेशा से सच और इनका एक जो पॉइंट रहा है, इसी तरह राशिद भाई है हमारे। नहीं, वो नहीं, मैं खुद महमूद को बड़ा एडमायर करता हूं। सुन तो लोग, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, वो असली की बात कर। नहीं मतलब मैं कवर कर रहा हूँ ना कि भाई महमूद, मैं बताता हूँ, इन्होंने जो प्रेडिक्शन की है स्पोर्ट्स के हवाले से भी, आस्थाना भी है आपका,
अस्ताना जहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं जहाँ से बंगाली जादू पता नहीं भाई ये जो भी है जी। तो मैं समझता हूँ बाबा वांगा के बाद भाई अब कवर करने का फायदा नहीं, जो साहब था वो होगा वो कराची जाके वो खुद ही कर लेंगे, वो तो देखी जाएगी। मैं सलाम कहना शबाना जी आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर एक नहीं तीन तीन है। अच्छा जबरदस्त, कौन? फिरदौस, आशिक, अवान। फिरदौस आशिक अवान साहब तो भाई सियासत में है और वो एक ही है और वो एक ही है बिल्कुल। अच्छा फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे पास तो तीन मुख्तलिफ नाम आए थे तो उनको अगर सियासत में, मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों के सियासतदान सियासत नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे, कोई गा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। हाँ। आपने क्या फिरदौस आपा को क्रिकेट खेलते हुए देखा? हाँ, मैंने उनकी क्रिकेट की वीडियोस देखी। हाँ। हम सब ने भी देखी यार छोए किस्सा याद आ गया यार। क्या रमीज बोली का किस्सा? आपके भी किस्से होते हैं भाई। एक दफा हम जा रहे टूर करने जी, तो मैं ऐसे हुआ कि यार मैं कभी भी ना जहाज के शीशे से निकला नहीं पा शीशे से कौन साइड तो होता है ना आप बस में नहीं जा रहे होते, आप जहाज की बात कर रहे हैं ना, उसका शीशा कहाँ खुलता है? नहीं वो लगा होता है ना, छोटा सा स्वाग भी होता है यूं करके, मैं फूंक भी मारी थी उसमें। इन्हें इन्हें सही तरह से याद नहीं, ये निकल गए थे शीशे से। कभी सही है। जी अच्छा बताइए भाई क्या हुआ। मैं वहां से शीशा खोल दिया मैंने। हाँ जी। मैं देखा स्टूअर्ट अंदर है, वो जहाज चलाया था, मैं मौका देखा मैंने निकलो यही है। अच्छा तो नजारे देखने थे, अच्छा नीचे देखो इतनी डिब्बियां डिब्बियां कीड़ियां कीड़ियां चल रही, इतना इतना शायद लगा था। तो मैं निकल गया, मैं पीछे रमीज बैठे हुए थे, रमीज ने बोला झूठ बोल चलेगा है क्या? Please continue. भाई मैंने शीशा खोला केबिन में होता है प्रेशर बना माता जहाज हवा का प्रेशर जी जी प्रेशर हमें समझ आ रहा है भाई, वो एकदम से फ्लुप करके यूं हुआ तो मैं तो गया बात मैं बात जैसे गया तो यूं हुआ खिड़की खुद बंद हुई है, ये बच गए अब सारे। अब ये अंदर से क्या कर रहे हैं मुझे, ये अंदर से क्या, मैं बोला बचा यार रमीज मैं बच गया हूं, ये अंदर से क्या कर रहे हैं पता है क्या एंजॉय कर रहे थे। अच्छा मैं क्योंकि मेरे पास कुछ इल्म है तो मैं आपको एक सच बात बता देती हूं जी, इन्हें पता है इनके वाकयात में कोई इंटरेस्ट कोई नहीं लेगा, इसलिए हर वाक्य में रमीज को घसीट रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।